अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ डिलीवरिंग हैप्पीनेस का क्या है दे प्लेस द डब्बास ऑन द वुडन क्रेट्स एंड टेक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी बाय ट्रेन एट ईच स्टेशन अ टीम ऑफ द डब्बा वाला टेक द डब्बास रोटेड टू देम एंड कैरीज देम टू द राइट कस्टमर आफ्टर अ व्हाइल द डब्बावाला कलेक्ट द एम्प्टी लंच बॉक्सिस एंड रिटर्न देम टू द पर्सनस होम दोज हु हैव नो वन एट होम टू कुक फ्रेश और हॉट मिल्क एन बाई लंच फ्रॉम द टिफिन सर्विस द डब्बा वाला डिलीवर्स दिस बॉक्स एज वेल इसमें हम क्या पढ़े देखिए डब्बा वाले लोग क्या करते थे जो ऑफिस में काम करते हैं या जो स्कूल है उस उनके बच्चों को फ्रेश और ताज़ा ताज़ा या हॉट जो है टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं है ना वो क्या करते हैं जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके ही घर से टिफ़िन को इकट्ठा करते थे लेते थे और उस बच्चे को या उस पर्सन को डिलीवर करते थे सेम वैसे ही ऑफिस के केस में था कि क्या करते थे वो ऑफिस में जो काम करते हैं उनके घर से टिफ़िन को लेते थे और उस तक पहुंचाते थे अब क्या हुआ उन लोग कैसे पहुंचाते थे मैं बताई थी सब लोग अलग अलग, अलग एरिया से अपने अपने मतलब जिनके जिनके घर से आना चाहिए टिफ़िन उनके घर से टिफ़िन को कलेक्ट कर लेते थे और सब लोग रेलवे स्टेशन में मिलते थे फिर एरिया वाइज उन लोग क्या करते थे मतलब डिवाइड कर लेते थे कि ये वा ये एरिया वा वाले का टिफिन को आप रखिए यहाँ पहुँचाना है ये वाले एरिया का मैं रखता हूँ ऐसा करके ठीक और क्या करते थे ऐसे लकड़ी का जो वुडन क्रैक्ट होता था उसमें डब्बा को पकड़ के जाते हैं ठीक अब क्या होता है जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं रहते ना डब्बा वाले लोग जान पढ़े लिखे नहीं रहते तो उन लोग क्या करेंगे इस डब्बे में नाम न लिख के कलर वगैरह भी चिपका देते थे ठीक और जैसे कि मान लो कि किसी घर से किसी का खाना बनाने वाला नहीं है लंच तैयार नहीं कर पाते थे तो उन लोग क्या करते थे टिफिन सर्विस लेते थे है ना टिफिन बाहर से मंगवाते थे और उनका टिफिन फिर उन लोग क्या करते थे मतलब उनको डिलीवर करते थे सारी बात समझ में आई कि उनको उनको घर से नहीं मतलब उन लोग अपने टिफिन सर्विस भी प्रोवाइड कराते थे ठीक द डब्बा वाला डिलीवर दिस बॉक्स एज वेल तो उन लोग क्या करते थे जो टिफिन सर्विस वाला बॉक्स है उसको भी क्या करते हैं बांटते हैं द जॉब ऑफ डब्बा वाला इज नॉट ईजी एवरी डे ही हैज़ टू रश थ्रू द ट्राफिक एंड द क्राउड ऑफ मुंबई रोड जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो सर्विस था ये जो डब्बा वाला सर्विस था वो मुंबई में बेसिकली स्टार्ट हुआ था अब आपको पता है मुंबई में बहुत भीड़ भड़ाका रहता है है ना बहुत ट्राफिक रहती है लोगों का भीड़ रहता है क्राउड रहता है तो बेचारे डब्बा वाले लोग का काम ईजी नहीं है उनको डब्बा सही जगह में पहुँचाने के लिए भी पूरे ट्रैफिक भीड़ भड़का धूप बादल सर्दी गर्मी सब चीज़ सहन करना पड़ता था उन सब से गुज़र के ही वो क्या करते थे सही टाइम में सही पर्सन के पास जो लंच बॉक्स है उसको पहुंचाते हैं तो बताओ उनका काम कितना टफ़ है उनको धूप झेलना पड़ता है उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है लोगों की भीड़ से जाना पड़ता है प्लस लंच बॉक्स को संभाल के रखना पड़ता है और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सही पर्सन के पास जाना चाहिए मेरा डब्बा आप लोगों के पास नहीं आना चाहिए ना आपका डब्बा मेरे पास नहीं आना चाहिए कैसा तो ये काम भी उनका बहुत टफ है भाई अब उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे मैं जैसे ही बताई कि उन लोग क्या नहीं थे पढ़े नहीं थे तो कैसे पहचानते थे उन लोग कलर से पहचानते थे है ना इसके घर का कलर ये कर दो ये कर दो करके क्योंकि उन लोग अन... मतलब बहुत कम पढ़े लिखे ना भाई अगर आप एड्रेस वगैरह लिखोगे तो नहीं समझ पाएंगे तो उन लोग कलर मार्क कर देते थे और फिर क्या करते थे जिस पर्सन का लंच बॉक्स है उसको वहाँ तक पहुँचा देते थे ठीक अब डब्बा वाले लोग इतना अच्छा काम करें हम लोग को तो उन पर नाज होना चाहिए और ऐसा चीज़ मेरे ख्याल से सभी को स्टार्ट कर देना चाहिए जिन लोग राइट टाइम में जिन लोग को लंच वगैरह नहीं मिल पाता उनके लिए है ना कम से कम उन लोग सही टाइम में सही पर्सन को लंच तो भेजते हैं है ना हालांकि उन्हीं के घर से आते हैं पर ये बहुत अच्छा काम है ना ले जाना और जिन जिन लोग घर में खाना वाना नहीं बन पाता या जिनके यहाँ खाना बनाने के लिए कोई नहीं है उनको टिफिन सर्विस भी प्रोवाइड कराते थे है ना तो डब्बा वाला टेक प्राइड ऑफ देयर वर्क इन द एफिशिएंट इज एफिशिएंट इन यूनिफॉर्म इन देयर यूनिफॉर्म है ना उन लोग उनकी यूनिफॉर्म क्या थी भाई यहाँ पे यूनिफॉर्म दिए है रिफ्लेक्टेड इन देयर यूनिफॉर्म क्लीन साफ़ सुथरे वाइट कलर का कॉटन कुर्ता और पजामा पहनते थे वाइट गांधी कैप और उन लोग कैप लगाते थे गांधी स्टाइल में गांधी कैप जानते हैं ये वाली कैप तो ये उन लोग क्या करते थे पहने रहते थे दे आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एज दे नेवर ओपन द अनलॉक्ड लंच बॉक्स वो लोग बहुत ईमानदार थे है ना उन लोग कभी अपना जो लंच बॉक्स जो उन लोग शेयर करते हैं है ना लोगों के साम साथ जो भेजते हैं लोग उनके जैसे जिसके मम्मी पापा हों या जो भी फैमिली है उस लंच बॉक्स को कभी वो ओपन नहीं करते बहुत ही ईमानदारी के साथ जिनका डब्बा है उसी को ही जैसे घर से आता है वैसे ही पहुंचा देते हैं ऐसा नहीं कि सब लंच बॉक्स से थोड़ा थोड़ा खाते चलो ऐसा नहीं करते हैं उन लोग सारी बात समझ में द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस इज पंक्चुअली एंड डेडिकेशन ये उनका काम कब सक्सेस हुआ क्यों सक्सेस हुआ क्योंकि वो पंक्चुअल हैं डेडिकेटेड हैं ईमानदार हैं सबसे अच्छी बात कोई चीटिंग नहीं करते हो अपने काम में जैसे आता है वैसे ही क्या करते हैं लोगों को पहुंचा देते हैं देयर मोटो इज कस्टमर इज गॉड एंड वर्क इज वर्सिप उन लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा ग्राहक है जो हमारे जिन तक हमको डब्बा पहुंचाना है वो हमारे भगवान है और हमारा काम ही क्या है पूजा है हमको अभी कभी भी अपने काम के प्रति जो है बेईमानी या आलसपन नहीं करना चाहिए इवन आपके लिए भी यही इम्प्लीमेंट होता है है ना आपका तो काम पढ़ाई का है और आपको आपकी पढ़ाई में कोई बेईमानी या कोई आलसपन नहीं करना है आपको जो काम दिया जाता है आप उसको टाइम में ख़त्म करें और सही तरीके से करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना ये आपके ये आप लाइफ टाइम याद रखिए है ना ये जैसे हमारे लिए ही नहीं है सभी जगह इम्प्लीमेंट होता है है ना जो हमारा काम है वही हमारी क्या है पूजा है वर्क इज वर्शिप ठीक इट इज सेट दैट द प्राइस चार्ल्स विस्ड टू मीट देम एंड द डब्बा वाला चूज द टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग इन सच दैट देयर वर्क डिड नॉट गेट अफेक्टेड जैसे कोई उनसे मिलने वाला मिलने का भी अगर कोशिश करता है जैसे प्रिंस चार्ल्स हैं जो अगर उनसे मिलने की कोशिश की तो डब्बा वाले लोग अपना एक अलग टाइम में मिलते हैं ऐसा नहीं है कि उनसे मीटिंग कर रहे हैं और लंच बॉक्स को लेट से पहुँचाए ऐसा नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये ये कर रहे थे तो लेट हो गए तो उन लोग अपने काम के टाइम में ये सब मीटिंग वीटिंग या यहाँ वहाँ जाना नहीं करते हैं जो उनके काम से जो फ्री टाइम बचता है या जिस टाइम में उनको काम नहीं रहता है तब वो ये गेट टुगेदर या ये सभी चीज़ें करती हैं आने बात समझ में द डब्बा of Mumbai are helping their customers eat healthy food, cooked if home, and if it was hot for them, their customer would have had to eat unhealthy street food or fast food. है yeah, ना ये सभी क्यों करें ताकि जो उनके कस्टमर हैं जो लोग हैं वो सड़क या गली के जो फास्ट फूड है उसको खाने से बचें क्योंकि हमको पता है भाई बाहर का खाना खाने से तबियत खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है है ना इसलिए वो चाहते हैं कि जो कस्टमर्स हैं जो जो लोग हैं वो हेल्दी रहें और सुरक्षित रहें इनका मेन मोटो है द रिमार्केबल वर्क दे आर रिमार्कबल मतलब उल्लेखनीय बहुत ही अच्छा काम वर्क मतलब काम हैज बीन स्टडीड बाई दॉलेजेस द रिस्पेक्ट ऑफ डब्बा वालस ऑफ मुंबई हैड हैज मेड मेडर टू वर्क हार्ड है ना जो जो उनका ये काम है उनके उनको बहुत लोग सपोर्ट किए उनकी बहुत तारीफ़ की गई और ये बहुत ही अच्छा काम है रिमार्केबल वर्क है रिमार्केबल का मतलब होता है रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय उत्कृष्ट बहुत ही अच्छा ए? और ऐसा काम मुंबई में क्या किया गया था मतलब किया जा रहा है सही टाइम में सही लोगों को लंच बॉक्स जो है डिलीवर करना हमारी बचप में जैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अब भी आप भी स्टेप उठा सकते हैं जैसे हमारे गरीब में भी है ना एक जैसे पुराने कपड़े हैं तो पुराने कपड़ों को हम लोग नहीं पहनते फेंक देते हैं जला देते हैं तो वो पुराने कपड़े जिनके पास कपड़े नहीं उनके काम आ सकते हैं तो क्या नेकी का दरिया या द्वारा ऐसा करके कुछ खुला है क्या जानते हो आप लोग उसके बारे में ऐसा कुछ है ना जहाँ पे लोग जो जैसे कपड़ा नहीं पहनते ना तो कपड़े को जाके वहाँ पर रख देते हैं फिर जिसको कपड़े की नीड होती है ना वो वहाँ से उस कपड़े को उठा लेते हैं तो ये भी एक अच्छा स्टेप है है ना बस वहाँ पे कोई एक केयर टेकर होना चाहिए जो कपड़े को बांटे दे है कि नहीं भाई और हमको जो अनयूज कपड़े हैं उनको आप दे सकते हो आपके घर में अगर कोई गरीब आता है कोई भिखारी आता है तो उसको भी आप पाँच रुपये दस रुपये पंद्रह रुपये जैसे भी आपको बने आपको देना चाहिए अगर रोटी वोटी मांगते हैं और घर में अगर रोटी वगैरह रखी है तो आप ज़्यादा नहीं बोल रही एक ही रोटी दे दें है ना ज़्यादा नहीं एटलीस्ट एक रोटी दो रोटी है ना मम्मी से पूछ के आप दे दें उसको ताकि उसका भी मन भर जाए है ना खाना खाना उसको मिल जाए एटलीस्ट तो ऐसे हमको हेल्प करनी चाहिए और जितना बन पड़ता है उतना भाई अब जितने आपको आता ही नहीं अब आपके पास एक भी पैसा नहीं है मम्मी को रो रो के बोल रहे सौ रुपये दो सौ रुपये दो दिस इज नॉट द राइट वे टू हेल्प एनी अदर ये सही तरीका नहीं है किसी को मदद करने की मदद कब करिए जब आप कैपेबल हों और आपको लगता है कि हाँ मैं इतना मदद कर सकता हूँ अब आपके पास पाँच रुपए और आप सोच रहे हो कि मैं पाँच सौ रुपये दान करूं तो ये गलत तरीक़ा है अगर आपके पास पाँच रुपये है तो या तो आप पाँच रुपये ही दान कर दो या तो दो रुपये एक रुपये भी दो मदद तो मदद होती है ना भाई ऐसा होना चाहिए सारी बात समझ में तो जितना आपको बन पड़ता है लगता है कि नहीं भाई इसकी इसको मदद की ज़रूरत है इसकी हेल्प करनी चाहिए तो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी क्या करनी चाहिए उसकी हेल्प करनी चाहिए कोई भी हो चाहे वो और अगर आपके सामने कोई हाथ फैला के हेल्प मांगता है तो उसको तो डेफिनेटली करना चाहिए एज अ ह्यूमन बींग ओके सारी बात समझ में वैसे आपका क्लास का भी बात है अगर आपकी कॉपी कंप्लीट है अगर आपको बोलता है कोई कि यार मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है मुझे कॉपी कंप्लीट करने के लिए अपना कॉपी दोगे क्या अगर आप कॉपी नहीं दे सकते कोई बात नहीं मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप अपनी कॉपी दे दीजिए लेकिन आप उसको बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं कैसे आप अपनी कॉपी का पिक्चर क्लिक करके उसको भेज दीजिए या फिर आप उसको बोल दीजिए कि भाई स्कूल टाइम में दस से चार स्कूल में रहते हैं ये ले तू कॉपी को रख और एक दो घंटे जितना भी लिखना है लिख ले उसके बाद मुझे दे दे उससे क्या होगा उसका भी काम बन जाएगा आपका भी कुछ नुकसान नहीं होगा सारी बात समझ में वो भी लिख लेगा और आप भी आपको भी कुछ नहीं होगा फिर घर जाने टाइम फिर ले लेना आपको पढ़ना होगा अपराध में फिर पढ़ लेना पर ऐसा नहीं है कि दोस्त को कॉपी दे दिए अब वो दोस्त एक हफ्ते तक गायब हो गया तो उसके साथ साथ में खुद का भी नुकसान और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपकी कोई हेल्प कर रहे है तो आपकी हेल्प जो करता है उसका रिस्पेक्ट करो उसका बात माने उसकी इज्जत करें अगर आपको बुरे समय में आपके दोस्त लोग कॉपी दे रहे हैं कुछ हेल्प कर रहे हैं तो इन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है जैसे अभी बताई अगर आपको सही समझ के दोस्त समझ के अगर वो कॉपी दे रहे हैं और आप एक हफ्ते तक गायब हो गए तो आप बताइए क्या वो दूसरी बार आपकी हेल्प करेगा कभी नहीं अगर वो करना भी चाहेगा तो भी नहीं करेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको भी क्या करना है सही तरीके से उस चीज़ को मानना है और करना है ठीक तो ये है हमारा क्या लेसन कि क्या होता है जो लोग हैं मुंबई में वो कैसे हैप्पीनेस को डिलीवर कर रहे हैं है ना वो एक प्रकार का डब्बा नहीं है वो खुशी है जो लोग बाट है ना सही में सही में, में सही इंसान को खाना देना बहुत बहुत बड़ी बात है है ना भाई लोग खाना के लिए ही तो कमाते हैं और आपको सही टाइम में खाना नहीं मिले तो कैसे लगता है बताओ तो एक बजे हमारे स्कूल में लंच ब्रेक होता है अब एक आध दिन लंच ब्रेक को तीन बजे कर दें आधे बच्चे तो भूख में ही पढ़ना लिखना छोड़ देंगे है नहीं तो सही टाइम में खाना मिलना कितना ज़रूरी है ये बात आप सब समझ सकते हैं सारी बात समझ में ठीक तो ये क्या है हमारा आज का लेसन है कि हमको क्या करना चाहिए सही खुशियाँ बांटनी चाहिए है ना सही समय में सही चीज़ें क्या होनी चाहिए लोगों को मिलनी चाहिए ठीक है साथ में जैसे एक और शेयर में डब्बा करके आया है आप एक डब्बे का डायग्राम बना दें और आप कुछ आप मेरे साथ अपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं जैसे आप स्कूल में टिफ़िन विफिन करते हो ना तो आप अपना टिफ़िन भी शेयर कर सकते हो बटा ना पाँच छः लोग ग्रुप में मस्त बैठ के खा लो वैसे बहुत सारे क्लास में मैं देखी हूँ जनरली सभी ग्रुप में खाते हैं और मस्त टिफ़िन उफिन शेयर करते हैं है ना जैसे कोई टिफिन नहीं लाया तो उसको थोड़ा थोड़ा करके सब लोग दे दो तो उसका भी पेट भर जाएगा ख़ुद का भी पेट भर जाएगा तो ऐसे आप टिफ़िन शेयर कर सकते हो इस टिफ़िन का डायग्राम आप बना सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि आपका फेवरेट आ, डिश क्या है है ना आपको क्या पसंद है ऐसा भी बता सकते हैं ठीक तो आपको जो शेयर करना चाहते हैं आपको लगता है कि भाई लंच बॉक्स के टाइम में या लंच टाइम में हम लोग के साथ ये ये ट्रैजडी हुआ मैम ये बहुत अच्छा लगा तो आप ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ें भी मेरे से शेयर कर सकते हो ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हम बुकिछ नॉलेज ही लें अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ मैं हमको बताने लायक है तो आप कुछ अच्छी बातें भी मुझे बता सकते हैं अब आप जो चीज़ मुझे भेजेंगे वही चीज़ मैं आपको क्या करूँगी तो आपके क्लास वालों को भी बताऊँगी कि ऐसा ऐसा होता है भाई तो अच्छा चीज़ पता चलेगा कि नहीं अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती है तो हमको क्या करना चाहिए शेयर करना चाहिए ओके तो क्लास तो दिस इज़ दी चैप्टर नंबर एट आई थिंक है ना ये चैप्टर एट हमारा मॉरल साइंस ख़त्म होता है यहाँ पे कुछ वो कैब है डेस्टिनेशन मतलब होता है वहाँ प्लेस जहाँ पे पहुँचाना है ठीक और टिफिन सर्विस आपको पता है पंक्चुअलिटी मतलब क्या होता है जो किसी काम को समय में करे बोल उसको बोलते हैं पंक्चुअल जैसे आपका स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम है दस बजे अगर आप डेली दस बजे आते हो या दस बजे से पहले आते हो मतलब आप पंक्चुअल हो और जो लेट से आते हैं वो तो फिर जानते हो क्या है है कि नहीं लेट कमर है और लेट कमर हमको नहीं बनना है हमको पंक्चुअल बनना है ओके चलिए ठीक है बाय क्लास